आज हम घर में जो भी सामग्री अवेलेबल है उसी से कम सामग्री से कम से कम समय में और कम से कम मेहनत में बहुत ही बढ़िया फ्रेश नारियल की बर्फी बनाएंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं जिज्ञासा आपका मेरे किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे व्रत की स्पेशल नारियल बर्फी। ये बर्फी दिखने में जितनी अच्छी दिख रही है, खाने में उतनी ही स्वाद भरी होती है। नारियल की बिल्कुल सफ़ेद बर्फी बनाने के लिए नारियल के ऊपर जो ब्राउन कलर का हिस्सा होता है वो हम पीलर से या चाकू से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं पीलर से ब्राउन कलर का हिस्सा बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अगर आज आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरीके से मैंने पूरे एक नारियल का ब्राउन कलर का कोटिंग निकाल लिया है। अब इसे हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं बारीक ग्रेटर से मैं ग्रेट कर ले रही हूँ। आप चाहे तो मिक्सर जार से भी बारीक कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लगभग 2 कप ग्रेटेड नारियल लिया है। आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से बारीक ग्रेट कर लिया है नारियल को। इसके बाद हम लेंगे 1 कप शक्कर और 1/2 कप दूध। यहाँ पे इंग्रेडिएंट की मेजरमेंट बहुत ही आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। जितना ग्रेटेड कोकोनट लिया है उससे 1/2 शक्कर और शक्कर के 1/2 दूध और स्वाद के लिए ज़रा सा कार्डिमम पाउडर। ये बर्फी बहुत ही आसानी से कम समय में बन जाती है। चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं। एक पैन में 2 चम्मच घी डालेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा गैस मीडियम हीट पे ही रखें। पूरे बर्फी हमें मीडियम हीट पे ही बनानी है। इसमें हम डालेंगे ग्रेटेड या कद्दूकस किया हुआ नारियल और इन्हें हम मिला देंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे हम सॉटे कर लेंगे तो कोकोनट का जो मॉइस्चर है वो ज़रा सा कम होने लगेगा। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप शक्कर और इसे हम फिर से मिला देंगे। ये बर्फी जनरली व्रत के समय की जाती है और बहुत ही टेस्टी होती है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप दूध। अगर आप चाहे तो इसमें हम दूध की मलाई भी डाल सकते हैं और इसी स्टेज पे हम 1-2 चम्मच मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, तो इस बर्फी को बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब इसे हम मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं शक्कर दूध में पिघलने लगी है। अब इसे हम इसका पूरा मॉइस्चर ख़त्म होने तक मीडियम हीट पर कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे। 7 से 8 मिनट मिक्स करने के बाद इसका मॉइस्चर बहुत ज़्यादा कम हो गया है। आप देख सकते हैं ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इस स्टेज पे आप चाहे तो आपके मनपसंद ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ज़रा सा इलायची पाउडर और इसे हम फिर से मिला देंगे। जब ये साइड छोड़ने लगे और डो जैसा शेप फॉर्म होने लगे और चम्मच पे इस तरीके से आने लगे, तब समझिए ये परफेक्ट है। अब हम एक प्लेट पे जरा सा घी डालेंगे और प्लेट को ग्रीस कर लेंगे। यहाँ प्लेट को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। इस पे अब हम बर्फी का मिक्सचर डाल देंगे। फिर से एक बार दिखाती हूँ बर्फी का मिक्सचर परफेक्ट हुआ है कैसे पहचाने। जब ये ऐसे डो फॉर्म करने लगे, इसका एक गोला बनने लगे, तो समझिए ये परफेक्ट हुआ है। इस गोले को हम प्लेट पे डाल लेंगे। दूसरा इंडिकेशन ये है कि जिस पैन में हमने बनाया है उस पे जो शक्कर की चाशनी है, जो शुगर की चाशनी है, वो ट्रांसपेरेंट दिख रही है। आप देख सकते हैं इसका मतलब है कि हमारा बर्फी का मिक्सचर एकदम परफेक्ट है। हमारी बर्फी बहुत अच्छी बनेगी। अब इसे हम फैला देंगे। मैंने इसे अच्छी तरीके से फैला लिया है। आप देख सकते हैं इसे हम 4 से 5 घंटे तक सेट होने को रख देंगे। अगर आपके पास पेशेंस है, आप ज़रा सा रुक सकते हैं तो रात को ये बर्फी बनाएं, ऐसे सेट होने दें रात भर और सुबह में इसको कट करके इसकी बर्फी के पीसेस बनाएं। अब यहाँ पे मेरा बर्फी का मिश्रण पूरा सेट हो गया है। इसे हम छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। मैं यहाँ पे पहले बॉर्डर कट कर ले रही हूँ, तो जो हम स्क्वायर शेप की बर्फी बनाएंगे तो उसके पीसेस बहुत अच्छे दिखेंगे दिखने में। ये बर्फी कट करते समय चाकू पे इस तरीके से ऊपर से हम ज़रा सा प्रेशर देंगे और करेंगे, क्योंकि हमने ग्रेटेड कोकोनट लिया है तो कोकोनट भी कट होना चाहिए अच्छे से। इस तरीके से मैंने सारी बर्फी कट कर ली है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे पीसेस कट हुए हैं।
सारी बर्फी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे और बर्फी के साइड्स हाथ से इस तरीके से ठीक कर लेंगे, तो बर्फी दिखने में भी बहुत अच्छी दिखेगी। इस तरीके से मैंने बर्फी के सारे पीसेस निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं हमारी बर्फी बहुत ही बढ़िया बनी है। अब इसे हम कट करके देखेंगे। वाव, बहुत ही अच्छी बनी है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आपके फ्रेंड्स के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी एक स्वाद भरी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय।